हेलो 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 हाँ बेटा और सारे के सारे कैसे हैं ठीक है सारे के सारे कैसे हैं नमस्कार बेटा नमस्कार सब के सब कैसे हैं? ठीक है पूरे जोश में हो या नहीं देखो लास्ट टाइम है इस समय जोश में रहना भी जरूरी है समझ रहे हो और पूरे फोकस के साथ ठीक है और ये लास्ट का जो टाइम होता है ना मैं हमेशा बोलता हूँ ये लास्ट का टाइम आपकी एफिशिएंसी को मल्टीपल टाइम बढ़ा देता है ठीक है तो इसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है और समय वो आ गया ठीक है वो समय आ गया जिसमें आपको उसको यूटिलाइज करना है और आज मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर रहा हूं ठीक है ऑलरेडी हमारी मैंने बताया संजीवनी सीरीज कंप्लीट हो गई है द्रोणा सीरीज के अंदर दो लेक्चर मैं सिंगल शॉट आपको रिकॉर्डेड डालने वाला हूं ठीक है द्रोणा फिनिश है अब पैरल हम लोग ठीक है

और एनसीआरटी के हर पैरा से हर लाइन से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में समझ रहे हो ना मेरी बात मतलब या मैचिंग वाले क्वेश्चन हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो एनसीआर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो तो लगभग सेवेंटी फाइव क्वेश्चन की मैं आज प्रैक्टिस करा दूंगा एनसीआर लाइन वाइज लाइन थ्योरी के साथ समझ गया ना मेरी बात तो बस इतना है कि आपके अंदर एक कहते ना आपके अंदर धैर्य होना चाहिए ठीक है कई कई बच्चे होते हैं वो हड़बड़ाहट में रहते हैं ठीक है थोड़ा देखेंगे नहीं नहीं अब कुछ और करते हैं अब ऐसा जा रहा है कुछ वैसा करते हैं आप आपके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए धैर्य होना चाहिए ठीक है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम पूरा इलेवेंथ रिवाइज करा देंगे समझ रहे हो और नीट 24 में यहाँ से कहीं बाहर तो नहीं मिलेगा यार मैं ऐसी हवा में बात नहीं करता एक्चुअली जेनवली बैकग्राउंड में मेहनत की है ठीक है तो एनसीआर और उससे रिलेटेड लाइनों से रिलेटेड लाइन अगर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कर लो तो मुझे लगता है नहीं कुछ बचता है आपका ठीक है तो अब सीरीज कंटिन्यू हो गई है ठीक है अब कंटिन्यू चैप्टर

बताई चुका हूं मैं दो टारगेट हैं आपके आज के पहला टारगेट तो होगा लाइन लाइन वाइज और दूसरा टारगेट होगा के हर से वो हिडन लाइनें जो क्वेश्चन बना देती हैं और एनसीआर पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आज वही करने वाले हैं ठीक है आपकी उन हिडन लाइनों से क्वेश्चन निकालेंगे ठीक है और आपकी एनसीआरटी पर सही मायने में मास्टरी कराएंगे आज ठीक है तो इस सीरीज में यही होने वाला है ठीक है ओके जोश में होना खतरनाक तरीके से या सुपर सुपर ठीक है आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है आपकी यही प्रेजेंस टीचर को मोटिवेट करती है मैं सच कह रहा हूँ बस एक यही मोटिवेशन है टीचर भी हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करता है पर जब कभी वो सेशन में आता है वो भी चाहता है कि बच्चा उसके साथ है या नहीं वो भी चाहता है क्या वो जो एनर्जी मेहनत दे रहा है मेहनत कर रहा है एनर्जी लगा रहा है क्या वाकई में वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है ठीक है तो ये दो चीजें होती हैं तो कोशिश करते हैं उसके लिए ठीक है तो आपका जुड़ना बहुत जरूरी है आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है आपके कमेंट बहुत जरूरी है थीके? जो एक मतलब मतलब टीचर को मेहनत करने के लिए मजबूर करते करते हैं मतलब करते हैं मोटिवेट कहेंगे कि यार कर और कर यार ठीक है है अभी तो है। और लगे रहेंगे लास्ट तक ये पक्की बात है ठीक है जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता आपको वहां तक नहीं पहुंचाने में अपना हंड्रेड परसेंट नहीं लगा देते तब तक लगे रहेंगे और आपका हंड्रेड परसेंट लेने की पूरी कोशिश करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बेटा

यहां बात करेंगे एज यू हैव रीड अर्लियर ऑक्सीजन इज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहां बनेगा बनेगा जब जब भी इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन के ऊपर इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड एक्सेट्रा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या होता है आपने किसी चीज को टेस्ट ट्यूब में डाला डायरेक्ट बर्न कर दिया एनर्जी प्रोड्यूस हो गई इट इज अ डायरेक्ट ब्रेकडाउन अगर मैं इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन की बात करता हूं तो इनडायरेक्ट का मतलब है

अब जब इंडरेक्ट ब्रेकडाउन करोगे तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है ठीक है तो इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा ठीक है और इस मैकेनिज्म को जब भी हम टर्म यूज करते हैं कैटाबॉलिज्म बोलते हैं कैटाबॉलिज्म टूटना एनाबॉलिज्म जुड़ना और एना और कैटा को मिला के बोलेंगे मेटाबॉलिज्म क्लियर है बिल्कुल एना और कैटा को मिला दिया जाए तो हम टर्म यूज करते हैं इसके लिए मेटाबॉलिज्म यहां तक समझ रहे हो ना

एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन with सीओ टू क्या टर्म यूज करेंगे जो एक रेस्पिरेशन का पार्ट है इसका आपको रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो क्योंकि तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व है समझो मेरी बात एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड एंड ब्रीथिंग ब्रीथिंग का मतलब है एटमोस्फियर एयर का लंग्स में आना लंग से एटमोस्फियर एटमोस्फियर से लंग्स लंग से atmosphere. इसी को बोलते हैं वेंटिलेशन या ब्रीथिंग ये रेस्पिरेशन का पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स रेस्पिरेशन का पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज रेस्पायरेशन का पार्ट है अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अगेन पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन और फाइनली जब ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचती है वहां पर ग्लूकोज होता है उसका इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन करती है यह भी रेस्पायरेशन का ही पार्ट है इसको सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं क्लियर बिल्कुल तभी तो कहते हैं इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस फिजिकल के अंदर चार स्टेप आते हैं केमिकल में सिर्फ एक स्टेप आता है सेलुलर रेस्पायरेशन ठीक है तो ब्रीथिंग इट इज कॉमनली इसको आप रेस्पायरेशन बोल सकते हो क्योंकि ब्रीथिंग रेस्पायरेशन का ही पार्ट है क्लियर बिल्कुल तो इस पर क्वेश्चन बनता है ठीक है प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट अब हाथ रखोगे तो फील करोगे जा जा रही 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 है, 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 है। 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 आ आ आ तो ये बात गई। इसको बोलते हैं। ठीक ठीक अब इससे कुछ question करता हूं मैं। समझना कोई जल्दी बाजी नहीं करना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पूछा क्या है उसको अंडरलाइन करो जब भी क्वेश्चन करोगे तो पहली जो गलती आप करते हो पूछा क्या है करेक्ट इनकरेक्ट समझ रहे हो ट्रू फॉल्स ठीक है ऑड इवन पूछा क्या है उसको अंडरलाइन करो फिर चारों ऑप्शन पढ़ो फिर ट्रिक करो ठीक है इसकी स्पीड बढ़ानी है क्योंकि तो अब जरूरत है स्पीड के साथ एक्यूरेसी की क्लियर है ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट तो पूछा पूछा क्या है इन्होंने इन्होंने है इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये तो करेक्ट है ठीक है इट टेक प्लेस एट एवरी टाइम डे और नाइट यस दिन हो या रात रेस्पिरेशन हर समय होता है प्लांट हो या एनिमल ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है ठीक है ठीक है इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन होता है ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एटसेट्रा तो incorrect क्या आ जाएगा इसके डी आ जाएगा ऐसी ही जरा जरा सी बातें ढूंढेंगे वो ठीक है क्वेश्चन बनाने में उसको पकड़ना आपको है ठीक है चलो

क्या बोलेंगे इसको जरा बताओ इसको रेस्पायरेशन बोलेंगे ब्रीथिंग बोलेंगे वेंटिलेशन बोलेंगे या ऑल ऑफ दीज बोलेंगे जल्दी से बोलो फटाफट तेजी फट, तेजी से तेजी से ऑल ऑफ दीज एब्सोल्युटली राइट क्योंकि इसको हम ब्रीथिंग बोलेंगे या वेंटिलेशन बोलेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एनसीईआरटी की लाइन है इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन समझ रहे हो ना ऐसे एनसीआरटी समझनी है आपको एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन डी लगाओगे आप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो

तो अब यहां इसमें कंफ्यूजन अब नहीं आएगा आपको नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन ठीक है कुछ स्टेप्स हैं वैसे क्वेश्चन ये आगे का था पर यहां आगे कोई दिक्कत नहीं भाई लास्ट स्टेप में क्या होता है सबसे पहले आप क्या करते हो एटमोस्फीर एयर एयर को लंग्स में लाते हो लंग्स एटमोस्फियर ठीक है इसको हम ब्रीथिंग बोलेंगे वेंटिलेशन फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अगेन अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन क्या होगा सेल अंदर जाएगी अंदर जाकर के ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा मतलब ठीक है, no. CO2. Okay. ये भी नहीं है. तो कौन सा लास्ट स्टेप होगा सी ऑप्शन लास्ट स्टेप होगा तो लास्ट स्टेप सी ऑप्शन होगा बहुत बढ़िया सुपर सुपर डियर बहुत अच्छा तुम सही कर रहे हो बहुत सही जा रहे हो ठीक है

अविष्कार की जननी होती है क्लियर तो समय समय पर इन में इवोल्यूशन होता गया समय समय पर इनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती गई और रिक्वायरमेंट किस पर डिसाइड करती है उनका हैबिटेट क्या है वो कहां रहते हैं पानी में रहते हैं ठीक है मॉइस्ट एटमोसफियर में रहते हैं ड्राई एटमोसफियर में रहते हैं कहा रहते हैं धरती के अंदर रहते हैं कहां रहते हैं उनका हैबिटेट क्या है

टीनोफोरा, आगे बढ़ रहा हूं मैं थोड़ा सा तो ये बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज कर रहे हैं क्योंकि पर है। पानी, में है। पानी में होने का मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अभी ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन आया नहीं तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए बॉडी सरफेस से ही करते हैं क्लियर है चलो अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करता हूं अर्थवॉर्म Earthworm, भाई तो तो ये हो चुका था इसमें तो organ system of था ठीक है ये में रहता है 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 तो को को करता करता पर होती ध्यान रखना आपकी इसकी मॉइस्ट क्यूटिकल होती है ठीक है अर्थवॉर्म के केस में मॉइस्ट क्यूटिकल अगर मैं इंसेक्ट की बात करता हूँ इंसेक्ट के तो गिल्स भी देखने को मिल जाते हैं ठीक है थीके?

क्यूटिकल की बात करेगा क्यूटेनियस रेस्पायरेशन समझ में आ गया <coughs> तो ये टर्म्स टर्म समझने क्यूटेनियस रेस्पायरेशन क्यूटिकल पल्मोनरी रेस्पायरेशन लंग्स ब्रैंकियल रेस्पायरेशन गिल्स ठीक है चलो यूज बाय द टेरिस्टियल फॉर्म जो टेरिस्टियल है वो लंग्स ही यूज करेंगे टेरिस्टियल फॉर्म ऑफ द फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एमोंग वर्टिवरेट अब मैं वर्टिवरेट की बात कर रहा हूं ठीक है एमोंग वर्टिवरेट फिश की अगर बात करते हैं गिल्स यूज करते हैं फिश गिल्स यूज करते हैं एम्फीबियंस की मैं बात करूं रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं ठीक है बर्ड्स एनिमल्स मैमल्स की बात करूं तो ये लंग्स यूज करते हैं यहाँ लंग्स का फॉर्मेशन हो चुका था अगर मैं स्पेशली एम्फीबियंस की बात करता हूँ स्पेशली फ्रॉक जैसे यहाँ पर मैंने अर्थफॉर्म की बात की मैं फ्रॉक की बात कर रहा हूँ तो फ्रॉक जो रेस्पायरेशन करता है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी करता है और जहां भी स्किन आ गई

रिप्रोडक्शन पर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक्सक्रीशन के ऊपर या न्यूट्रिशन के ऊपर अब आप मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है फटाक से ना मेरी बात ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन की मास्टरी करनी है विद प्रैक्टिस देखो अब ये लाइन भूल पाओगे कभी कभी नहीं भूल पाओगे ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो मैचिंग इस पर मैचिंग काफी आए थे ठीक है मैचिंग की बात कर लेते हैं काफी एनिमल दे हैं, कर दो। अगर मैं की बात करता हूं तो अर्थवॉर्म में कौन सा स्ट्रक्चर होगा क्या करता हूँ तो तो फिश की बात करता हूँ तो फिश में भी गिल्स ही होंगे ठीक है रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो इनके पास लंग्स होंगे इंसेक्ट के पास ट्रेकिया ट्रेखियल रेस्पारेशन होगा ठीक है लेते हैं भाई कुछ ऐसा दे रखा है क्या उन्होंने ए का फोर्थ ए का फोर्थ दे रखा है ठीक है नेक्स्ट देख लो, बी का बी का थर्ड दे रखा है इन्होंने, थर्ड ऑप्शन है बी का थर्ड बी एंड सी का थर्ड बी का थर्ड है सी का भी थर्ड है बिल्कुल सही है ठीक है डी का फर्स्ट है बिल्कुल सही है तो ये मिल गया हमें ए का सेकंड है ए ही मिल गया हमें समझ गया ना मेरी बात तो इस तरीके के मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं मुझसे तेज दो रिस्पॉन्स ठीक है स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स जब भी वेस्कुलर स्ट्रक्चर आएगा इस वेस्कुलर स्ट्रक्चर आएगा गिल्स की बात कर रहा है गिल्स का मतलब ब्रेंकियल रेस्पायरेशन की बात कर रहा है कौन यूज करेगा भाई गिल्स गिल्स अर्थ तो नहीं करेगा एक्वेटिक फॉर्म आ गई एक्वेटिक फॉर्म आ गई तो ये गिल्स को यूज करेंगे जब भी एक्वेटिक फॉर्म आ जाएगी गिल्स को यूज करेंगे कोई डाउट एमोंग vertebrate अब एनसीआरटी की लाइन उठाई है मैंने इस तरह क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको Among vertebrate, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल सिंपल होगा समझ रहे हो एक्यूरेसी एक्यूरेसी विद स्पीड इस बार सिलेक्शन वही रहे आ, पहुंचेगा गेट तक, जो इस पर काम करेगा ठीक है और एनसीआर की एक एक लाइन की मास्टरी करनी होगी ठीक है एमोंग वर्टिवरेट मैं सारे वर्टिब्रेट की बात कर रहा हूं ए

जो पुराने क्वेश्चंस पी जो आए हुए थे जिन टॉपिक्स पर उनको थोड़ा मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में और ज्यादा क्लियरिफाई किया है जिससे कि वो रिपीट होंगे कंसेप्ट मुझे पता है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्टिल। भाई जानते हैं बाहर हमारे एक वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्टल्स होते हैं

ठीक है अब यही ब्रोनकाय फर्दर डिवाइड होते हैं प्राइमरी ब्रॉन काल ब्रॉनक्यूल टर्नल ब्रॉनक्यूल और फाइनली रेस्पाइरेटरी ब्रॉनक्यूल खुलते हैं छोटे छोटे चैंबर में इनको बोलते हैं रेस्पाइरेटरी या कह सकते हो सैक जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर के मिलने से बनते हैं इनको बोलते हैं एलव्योलाई इट इज यूनिट ऑफ लंग्स ठीक है तो इसी बात को मैंने समराइज कर दिया वी हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्टल ओपन एव द लिप्स के ऊपर होते हैं लीड टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज नेजल चैम्बर ओपन इनटू टू फैरिंग्स फैरिंग्स में खुलता है इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एयर एंड फूड ठीक है जो कॉमन पैसेज ऑफ फूड और एयर के लिए द फैरिंग्स ओपन थ्रो द लैरिंग्स रीजन कहां खुलेगा ट्रैकिया के, के, के मिलने से बनती है मतलब उसमें लगे होते हैं ट्रेकिया के ऊपर ठीक है जो डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं डॉर्सल साइड से इनकंप्लीट होते हैं ये हालीन कार्टिलेज ट्रेकिया के अलावा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में होते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल तक होते हैं पर टर्मिनल ब्रोंकियोल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में ये नहीं होते अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैरिंग्स इज कार्टिलेजस बॉक्स इसको हम क्या बोलते हैं साउंड बॉक्स बोलते हैं ड्यूरिंग सोलिंग जब आप खाने को निकलते हो ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक क्वेश्चन आएगा थिक इलास्टिक नो no. थिन इलास्टिक कार्टिलेज इसी थिन इलास्टिक कार्टिलेज को एपिग्लॉटिस बोलते हैं भाई ग्लॉटिस इज अ ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया उसके ऊपर एक फ्लैप लगा होता है इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं इट इज अ थिन थिन क्या है थिन इलास्टिक कार्टिलेज है ठीक है टू कैन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक स्ट्रेट ट्यूब है ठीक है एक्सटेंडिंग अप भाई एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी

टर्मिनल ब्रॉनक्यूस ठीक है द द्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रॉनक्यूल एंड इनिशियल ब्रॉनक्यूल अगरिया से लेकर के मैं से लेकर के इनिशियल ब्रॉनक्यूल तक क्या है यहां पर इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग है इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग सी शेप हाइलीन कार्टिलेज क्या बोलेंगे इनको सी शेप हाइलीन कार्टिलेज सी शेप हाइलीन कार्टिलेज जो तो इनकंप्लीट से होते हैं वेंट्रल डोर्सल इनकंप्लीट तो कंप्लीट होंगे क्योंकि ट्रैकिया है है पीछे ईसोफेगस होती है, तो इसलिए कंप्लीट नहीं होते वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं डोर्सल साइड से इनकंप्लीट होते हैं ठीक है चलो नंबर ऑफ थिन वॉल अब टर्मिनल वॉनक्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर में खुलते हैं बैग लाइक समझना नंबर ऑफ वेरी थिन

और जो बाहर की साइड में उसको पाराइटल प्लूरा बोलते हैं और दोनों के बीच में एक फ्लूड होता है प्लूरल फ्लूड जो एक तरीके से इसकी सरफेस पर फ्रक्शन को घर्षण को कम करने का काम करता है ठीक है तो ध्यान रखना है प्लूरल फ्लूड और इस पर क्वेश्चन आता है प्लूरल फ्लूड के ऊपर कि प्लूरल बिटवीन इट द जो को कम करता है ठीक है रिड्यूस द फ्रक्शन ठीक है ऑन द लंग सरफेस द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द दसिक ठीक है आउटर वाली थोड़ा चेंटेक्ट में होती है क्योंकि मतलब ऑर्गन जो ऑर्गन के कॉन्टेक्ट में है, वो विसरल प्लूरल प्लूरा और जो बाहर थोड़ा से चैंबर के कॉन्टेक्ट में बाहर की साइड है, है उसको पराइटल प्लूरा बोलते हैं मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी ठीक है अब एक लाइन और देख लो

और साथ में इस एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लाने में भी इनका रोल होता है ये चार फंक्शन है कंडक्टिंग जोन के ठीक है इज द एंड अदर डक्ट ठीक है ये इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी जोन ठीक है। ठीक है है द कंडक्टिंग पार्ट अगर मैं कंडक्टिंग पार्ट की बात करता हूं ये क्या काम करता है ट्रांसपोर्ट करता है कंडक्टिंग पार्ट की अगर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर तो पहला काम क्या होगा ट्रांसपोर्ट करना ठीक है टू लाए उसको क्लियर करना ठीक है बाहर के से, उसका humidification, उसमें आद्रता नमी को मिक्स करना ठीक है और साथ में क्या करना टेम्परेचर को मेंटेन करना मतलब अगर बाहर गर्मी ज्यादा है या ठंडी ज्यादा है उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लेकर के आना है तो अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर वाली एयर आपके ब्लड में जाएगी और ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रोटीन है और प्रोटीन के लिए सेंसिटिव होती है और यहां पर मामला बिगड़ जाएगा उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी और सीओ बाहर नहीं निकल पाएगी और आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगी इट इज अ डेंजरस कंडीशन ठीक है क्योंकि सीओ की ऑक्सीजन बाइंडिंग और सीओ की समझ रहे हो

वेंट्रल साइड पर क्या होगा 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 आगे तो होगा. और लेटरल साइड पर क्या होंगे Rips होंगे ठीक है एंड लोअर 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 साइड 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 पर 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 क्या होगा Diform होगा तो होगा होगा डायफ्राम 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 नीचे तो शेप शेप होता है गुम्मदाकार पर. पर shape, गुम्मदाकार, होगा. ठीक है ठीक क्लियर है सेटअप में कोई भी चेंज होता है ऊपर जाते तो सीधा -सीधा समझ गया ना मेरी बात ये कॉन्टेक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम घटेगा ठीक है सीधा इसका इफेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम पर पड़ता है ठीक है सच एन सच एन एनाटोमिकल सेटअप असेंशियल फॉर ब्रीथिंग ये ब्रीदिंग के लिए बहुत असेंशियल है अगर ये नहीं होगा तो डायरेक्टली इस बिना सेटअप के आप बताओ पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज कर ही नहीं पाओगे और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो एयर इनहेल और एक्सिल कैसे होगी क्योंकि एयर का फ्लो हमेशा हाई पार्शल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर रहता है अगर आप अंदर का प्रेशर बढ़ाओगे बाहर के प्रेशर से तभी तो एयर अंदर तो आएगी तो एयर का आना और जाना प्रेशर पर डिपेंड करता है और प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हो वॉल्यूम के बेस पर वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा सिंपल सी बात तो इस वॉल्यूम को कंट्रोल करने का काम यही एनाटोमिकल सेटअप करता है क्लियर है बिल्कुल

यूटिलाइज करेंगे और इसको बोलते हैं सेल्युलर रेस्परेशन जिसको हम बॉटनी के ठीक है रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते हैं हम ठीक है साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कोई डाउट बेटा अब क्वेश्चंस की बारी देखते हैं देखते हैं ये लाइनें तुम्हारे दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई आ, कमर कसो फटाफट फ़ड़, तेजी, तेजी से तेजी से कमर कसो तेजी से तेजी से कमर तेजी से कमर कसो कस ठीक है मुझसे पहले रिस्पॉन्स देना है आज इस चैप्टर की मास्टरी हो जाएगी ये मेरा मतलब फेथ है बिलीफ है पर शर्त है तुम कितने डेडिकेटेड हो कई बच्चों को क्या लगता है कि यार मुझे तो आता है यार ठीक है मुझे क्या जरूरत है इस ब्रेन को बार बार आपको स्टूमुलेट करना पड़ेगा मतलब मैं समझो ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपकी सोई हुई मेमोरी को रीएक्टिवेट करने के लिए ठीक है जो आपका निकल गया है आप खुद इसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से तो उसको रिवाइज करने के लिए साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन बच्चे कहते हैं सर कैसे करें ठीक है ऐसे करो बेटा ऐसे करो ठीक है इसकी पीडीएफ रेस्पिरेटरी जो क्या सॉरी ठीक है जो लिंक ट्री है वहां पर अपलोड मिल हो जाएगी वहां से आप डाउनलोड भी कर लेना ठीक है पर मेरे साथ एनसीईआरटी लेके बैठोगे ना तब जो मजा आएगा वो मजा ही अलग है ठीक है ये एक एनर्जी है ठीक है तब जब एनर्जी बहुत सारी एनर्जी एक साथ मिलती है एक साथ बच्चे टीचर एक साथ एनर्जी लगाते हैं तो उसका इफेक्ट मल्टीपल टाइम होता है ठीक है तो आपको इस समय का भी इंतजार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ठीक है चलो अब आपके सामने आ गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट में पूछे जा रहे हैं ठीक है थीके? देख लेते हैं क्या बोल रहा है ईच ब्रॉन का अंडर ठीक है रिपीटेड डिवीजन फॉर्म द सेकेंडरी टर्सरी ब्रॉनकाइ एंड ब्रॉनक्यूल एंडिंग अप इन वेरी थिन ब्रॉनक्यूल एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रॉनक्यूल्स ठीक है स्टेटमेंट टू bronchi देखो इनिशियल ब्रॉनक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकलीट कारिजनस रिंग

तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर होगी ये भी करेक्ट है और स्टेटमेंट दूसरा भी एकदम एनसीईआरटी की लाइन करेक्ट है, है तो ए लगाओगे और मैक्सिमम बच्चे जो ए लगा रहे हैं वो बेहतरीन है सुपर है हैं सी क्यों लगा रहे हो इनकरेक्ट क्यों है बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट साफ साफ दे रहना कि वेरी थिन टर्मिनल अभी तो मैंने एनसीईआरटी कराई है मैं तभी तो कह रहा हूं ना एनसीईआरटी तो अभी कराई है ना एनसीईआरटी अभी कराई है फील लाना पड़ेगा भाई ठीक है अभी एनसीईआरटी कराई है तुम्हें तो दिखाना भी पड़ेगा कोई नहीं ठीक है <laughs> देखो मैं यहां आ गया ना फिर क्या है? टर्मिनल ब्रोंकियो द कहां गया ब्रोंक का एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियो यही लाइन है एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियो यही लाइन यहां से उठाइए ठीक है जिससे कि लाइन पर पकड़ करनी है तो टर्मिनल ब्रोंक बहुत थिन होते हैं ठीक है ठीक है <laughs> तो ये एकदम क्लियर है आगे बढ़ते हैं ओके ये एनसीआरटी का ही डायग्राम है ठीक है इन्होंने एबीसीडी कुछ दे रखा है उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं फॉलोइंग द डायग्रामेटिकली व्यू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चूज द ऑप्शन करेक्टली बस करेक्ट लो अंडरलाइन कर लेबल स्ट्रक्चर ए देखो ए फटाफट ए देखो ए ए ए ठीक है ए से है, है भाई प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू विंड पाइप विंड पाइप में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है ठीक है लैरिंग्स बी देखो लैरिंग्स है क्या हां बी लैरिंग्स है ठीक है आ बोनी बॉक्स बोनी बॉक्स नहीं है कार्टिलेजनस बॉक्स होता है तो रॉन्ग हो गया सी ट्रेकिया है नो डी कट एंड ऑफ रिप्स नहीं है जी कट एंड ऑफ रिप्स है तो ये वाला गलत हो गया इसकी वजह से यह भी गलत हो जाएगा ई e, देखो ई एल व्यू लाई है ई एल व्यो लाई है बेटा ठीक है एल लाई है थिन इरेगुलर वॉल एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर अभी बताया था थिन होते होते हैं हैं वॉल्ड ट्रेकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफोरे वर्टिव टू फॉर्म ब्रॉनका सी वाला सही है जी आगे देख लो इसमें अच्छा डी डी में क्या डी में दे रखा है उन्होंने जी प्लूरल मेम्ब्रेन जी देख लो प्लूरल मेमोरी गलत है कट एंड ऑफ रिप्स हैं ठीक है गलत हो गया ठीक है तो ऑप्शन क्या आएगा सी जितने बच्चों ने लगाया है ढंग से बिल्कुल सही लगाया है जो सी लगा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन राइट लंग्स अगर मैं लंग्स की बात करता हूं राइट एंड लेफ्ट समझा मेरी बात याद आ गया होगा राइट और लेफ्ट लंग्स की बात करते हैं तो कुछ अंतर मैंने बताए थे लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर याद आया कुछ हाँ कुछ अंतर बताए थे ठीक है यहाँ पर हर्ट होता है याद आ गया होगा तो राइट लंग्स की अगर मैं बात करूं इधर लेफ्ट लंग्स की बात करूं तो यहां ध्यान रखना है आपको दोनों not, not right राइट में क्या नहीं मिलता फिशर दोनों में मिलते हैं सुपीरियर लोब्स दोनों में मिलते हैं कार्डियक नॉच यस कार्डियक नॉच राइट में नहीं होती हॉरिजॉन्टल फिशर हॉरिजॉन्टल फिशर हॉरिजॉन्टल दोनों में होते हैं

फ्रक्शन ऑन द लंग सरफेस इज रिड्यूस बाय कौन है एनसीआर की लाइन अभी कराई है मैंने कौन है फ्रक्शन को रिड्यूस करता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन नो सिंगल लेयर प्लूरा सिंगल नहीं होती डबल लेयर होती है डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूड यस सी ऑप्शन ठीक है द कंडक्टिंग पार्ट नो

थोड़े से चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय बताओ डॉर्सल साइड पर क्या होगा पीछे डॉर्सल साइड पर वर्टिवल कॉलम होंगे वर्टिवल कॉलम ए डॉर्सली डॉर्सल देखो स्टर्नम होगा नो वर्टिवल कॉलम होंगे ठीक है स्टर्नम होगा नो वर्टिवल कॉलम होंगे ठीक है ठीक है डॉर्सली बाय वर्टिवल कॉलम ठीक है वेंट्रली बाय वेंट्रली स्टर्नम बी पर देखो स्टर्नम बी पर स्टर्नम दे रखा है बी पर रिप्स गलत हो गया तो एक ही आ गया डी वाला ऑप्शन आ गया फिर देख लेते हैं लेट्रली बाय रिप्स यस लेटर साइड पर रिप्स होते हैं ठीक है एंड ऑन लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम एब्सोल्युटली राइट डी ऑप्शन आ गया एनसीआरटी की एक एक लाइन की मास्टरी होगी आगे बढ़ रहे द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक डज नॉट हेल्प इन डज नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में करेगा ठीक है क्लियर में भी करेगा फॉरेन से ह्यूमिडिफिकेशन एंड ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर करेगा डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड बिटवीन द ब्लड ये नहीं करेगा ये तो रेस्पायरेटरी रेस्पायरेटरी ट्रैक का फंक्शन है भाई रेस्पायरेटरी ट्रैक का फंक्शन है बहुत बढ़िया सुपर बिंदास ठीक है आगे बढ़ते हैं अरेंज द गिविंग स्टेप कुछ स्टेप दे रखे हैं एनसीआर के ही सारे स्टेप हैं

ये तीसरा हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा अरेंज कर दो ठीक है अरेंज क्या करना है अरेंज द गिविंग स्टेप ऑफ देशन इन सिक्वेंस ऑफ इवेंट जो हो रहे हैं तो सबसे पहला जो इवेंट हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाई ब्लड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल ठीक है कार्बोन ठीक है अच्छा एक खिसक गया ऊपर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ठीक है ब्रीथिंग एक एक स्टेप में टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया कोई नहीं सबसे पहला स्टेप आएगा ब्रीथिंग

ए ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है सेल्फ एनालिसिस करो पूरी ईमानदारी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट करेक्ट पूछा है लंग्स बिल्कुल देखो प्रेशर का मतलब है जो सकिंग टाइप के लंग्स होते हैं जो एटमोस्फिर से एयर को खींचना जानते हैं वो मैमल्स के लंग्स होते हैं यस ठीक है मेमिलियन लंग्स निगेटिव प्रेशर बियर करते हैं द फेरिंग्स ओपन द्रू द लैरिंग्स रीजन इन टू दैकिया यस ट्रेकिया में ओपन करता है, सही है

वॉल्यूम ऑफ दसिकविटी विल बी रिफ्लेक्ट द लंग्सिका तो सीधा इफेक्ट किस पर, पड़ेगा? इसका पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा एनसीआर की लाइन ए ऑप्शन मार हो गया इसके ऊपर ठीक है नेक्स्ट देखो फटाफट इन मैमल्स द्रेकियल रिंग आर कंप्लीट होते हैं कहां पर इनकंप्लीट Incom डॉसली ठीक uh, है इलास्टिक कार्टिलेज नो इनप्लीट हाइलिनेज इनकम्लीट डॉर्सली हाइलिन लगाओगे cartilage होते हैं. ठीक है नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले पैरा अगला मिशन तो अपने छोटे छोटे टारगेट बना रहे हैं हम लोग छोटे छोटे टारगेट बना रहे हैं बेटा ठीक है एक एक टारगेट को अचीव करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और जब एक एक टारगेट अचीव होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए आप समझ रहे हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए क्या यार और इस दिखो तो मैं आज सही कह रहा हूं अगर आप आज दो घंटे दे रहे हो तो ये सोच के दो कि इन दो घंटे के अंदर हम इस चैप्टर को इस तरीके से करेंगे कि फिर दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं है सीधा एग्जाम से पहले एक बार और पलटेंगे बस ठीक है क्योंकि एनसीआर हमारी हो रही है क्वेश्चंस हमारे हो रहे हैं पैटर्न्स किस किस तरीके की क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हो रहे हैं तो बस इस चैप्टर के बाद अगर इसका कोई टेस्ट मिलता है करने को फाड़ के रख देंगे तोड़ के रख देंगे बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जितने भी सीरीज के अंदर चैप्टर होते जाएंगे इस तरीके से उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने हैं कोई रिविजन नहीं करना ओनली टेस्ट देने हैं ठीक है ओनली टेस्ट सारा मैं करा दूंगा ठीक है वापस आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज कितनी स्टेज इन्वॉल्व होती है टू स्टेज ठीक है इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रोन इन एंड एक्सपिरेशन बाय विच एल्बुलर एयर इज रिलीज्ड आउट समझना इंस्पिरेशन में क्या होगा जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर को आप अंदर ड्रा करते हो अंदर ड्रा करते हो एक्सपिरेशन क्या होगा जिसमें आप एल्बुलर एयर को एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट करते हो ठीक है द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट का है. यही प्रेशर ग्रेडियंट इन एंड आउट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर एटमोस्फेयर प्रेशर ज्यादा है अंदर प्रेशर कम है तो ऑटोमेटिकली बाहर की अंदर आ जाएगी अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का प्रेशर कम है अपने आप एयर अंदर से बाहर चली जाएगी और इस प्रेशर ग्रेडियेंट को मेंटेन कौन करता है वही एनाटॉमिकल सेटअप ये एनाटॉमिकल सेटअप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करता है जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियेंट जनरेट होता है और यही प्रेशर ग्रेडियेंट एयर को इन एंड आउट करता है मतलब ब्रीथिंग कराता है यानी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कराता है समझे जस्ट एम्स फॉर गोल एक बच्चा लिख रहा है वो बच्चा लेट ज्वाइन किया मैंने स्टार्टिंग करते वक्त पहले ही बोला था कि संजीवनी आपकी कंप्लीट हो चुकी है द्रोणा के अंदर दो लेक्चर बच्चे हैं एक सिंगल शॉट मैं देने वाला हूं ठीक है किसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और उसमें सारे पी क्यूज होंगे पूरी पीपीटी तैयार है बस समझो आपको मिलने ही वाला है ठीक है समझ रहे कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी इसलिए मेरा बीच में थोड़ा सा ठीक है चीजें डिले हुई थी डिले का मतलब लेक्चर मेरे नहीं हुए थे अब कंटिन्यू पूरे जोश में आ गया हूं ठीक है अब छोड़ूंगा नहीं ठीक है तो समझ में आ गया तो एक तो वो आपका लेक्चर मिलने वाला है आपको दूसरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लेक्चर मिलने वाला है दुर्णा सीरीज के अंदर सेम उसी पैटर्न से एनसीआर लाइन वाइज लाइन विद ऑल पी वाई क्यू हर सीरीज की अपनी एक, एक अलग ही कहानी है ठीक है इसकी अपनी अलग कहानी है उसकी अपनी अलग कहानी है संजीवनी की एक अलग कहानी है समझ में आ गया इस समय आपको यहां फोकस करना है ठीक है बिल्कुल डायबर्टमेंटो बेटा एकदम फोकस्ड एकदम फोकस्ड ठीक है चलो बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, यहां तो क्लियर है प्रेशर ग्रेडियंट पर क्वेश्चन आएगा प्रेशर ग्रेडियंट ठीक है इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर

और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स लाइक मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स याद आ गया होगा आपको ठीक है तो डायफ्राम और सेट ऑफ मसल्स जिसमें एक्सटर्नल भी आ गए इंटरनल भी आ गए ठीक है और एब्डोमिनल मसल्स भी आ गए ठीक है जनरेट जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट यही मसल्स इस ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं

तो ये क्यों रिप्स ऊपर उठेंगे तो रिप्स आगे जुड़े हुए हैं और पीछे जुड़े हुए हैं वॉल्यूम ऑफ दसलिस चैम्बर इन वेंट्रल एक्सिस दो ही लाने याद रखनी है जब भी डायफ्राम की बात आएगी एंटीरियर पोस्टीरियर और जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात आएगी डॉर्सो वेंट्रल क्लियर cool, बिल्कुल वेंट्रल एक्सिस ओवरऑल इनक्रीज इन थोरेसिक चेंसिक चें काल्यूम बढ़ेगा समझना मेरी बात रिप्स ऊपर जा रहे हैं डायफ्राम नीचे आ रहा है डायफ्राम फ्लैट हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है समझ रहे अंदर क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा प्रेशर घटेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो ऑलवेज ऑलवेज ठीक है एयर का मूवमेंट होता है यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट यहां तक कोई डाउट शाउट बेटा तेजी से तेजी से <coughs> एक मिनट <coughs> एक मिनट हाँ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए क्लियर है बिल्कुल चलो देसी गुरु जी चलो आ जाओ ठीक है ऑल ओवर इंक्रीज इन दसिक वॉल्यूम ठीक है कॉज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम दोनों ही बढ़ जाएंगे तो इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर

अब मैं एक्सपिरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होगा ओनली ये उल्टा कर दो दोनों मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे दोनों रिलैक्स कर जाएंगे ठीक है रिटर्न टू डायफ्राम एंड स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा और नॉर्मल पोजीशन पर आने पर क्या होगा पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा ठीक है पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर की एयर बाहर अंदर की एयर बाहर ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द अब देशन कब होगा ये अपनी जगह जा रहा है ये अपनी जगह आ रहे हैं वॉल्यूम ऐसे भी कम हो रहा है वॉल्यूम ऐसे भी कम हो रहा है वॉल्यूम कम होगा हो प्रेशर बढ़ेगा एयर बाहर एक्सपायरेशन क्लियर बिल्कुल वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज एंड ठीक है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हमारे पास एबिलिटी है ये क्वेश्चन आता है वी हैव

तो इसके अंदर एब्डोमिनल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोशल मसल्स का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है कोई डाउट कोई डाउट यहां तक क्लियर हाँ ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं ठीक है यहां तक क्लियर है तो ये ध्यान रखना स्ट्रेंथ की जब भी बात आएगी स्ट्रेंथ की बात आएगी कि भाई ये तो समझ में आ गया इंस्पायरेशन क्या एक्सपायरेशन क्या है और जब भी स्ट्रेंथ की बात आएगी तो एडिशनल मसल्स की बात आएगी और एडिशनल मसल्स 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 के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है abdominal muscles, abdominal muscles, इनका यूज हो जाएगा ऑन एन एवरेज एक हेल्दी कितने बार ब्रीथ करता है ठीक है पर मिनट आप बोलोगे यूजिंग मेजर करना है तो हमें क्या चाहिए हेल्प चाहिए। से हम ठीक है, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब एक क्वेश्चन बना नहीं है बनेगा आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से क्या क्या ऐसी चीजें हैं, जो क्लिनिकल क्लिनिकल, ठीक है असेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्पायरोमीटर लंग्स की क्लिनिकल असेसमेंट के लिए ठीक है ईसीजी ECG, Heart की 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 के लिए लिए होता है 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 समझ रहे हो ना मेरी बात तो जैसे ECG की value होती है, वहां की भी value होती भी किसके ये बहुत important line है। नीट में अभी तक पूछी नहीं गई है अब पूछी जा सकती है तो क्योंकि उन लाइनों को ढूंढेंगे जिन पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया इस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया क्लिनिकल असिस्टेंस के ऊपर ठीक है देखते हैं कितना दम है के ऊपर कितना समझ में आया कितना बाइ द कॉन्ट्रेक्शन इन डायफ्रॉम कॉन्ट्रेक्शन इन डायफ्रॉम वॉल्यूम ऑफ थोड़े सेविटी इनक्रीज डॉसोवेंट्रली नो डॉरसोवेंट्रली नहीं होता एंटीरियर पोस्टीरियरली ठीक है आगे देखो बाय द कॉन्ट्रेक्शन इन डायफ्राम वॉल्यूम ऑफ थोड़े इंक्रीज एंटीरियोस्टिटली राइट फिर देखो बाई द कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन बनाएंगे स्टेटमेंट दे देंगे इन करेक्ट कितने, में, incorrect कितने तो एक भी गलती हो गई ना खेल खत्म बाई द कॉन्ट्रेक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोशन मसल वॉल्यूम ऑफ थोड़े सेक्सिस बाई द कॉन्ट्रेक्शन इन इंटरनल इंटरकोशन मसल्यूम ऑफ थोड़े से ियर in in inter in इसमें भी डॉसो वेंट्रल ही होगा डॉसो वेंट्रल ही होगा तो इन करेक्ट पूछा है इसने अच्छा करेक्ट इन करेक्ट तीन हो जाएंगे ए इन करेक्ट है सी इन करेक्ट है डी इन करेक्ट है देखो ए सी डी है ऑप्शन हमारे पास ए सी डी डी ऑप्शन जो D लगा के आ रहे हैं बिल्कुल सही लगा के आ रहे हैं आगे आ जाओ विच रेस्पारेटरी एसोसिए एसोसिएटेड मसल्स वुड कॉन्ट्रैक्टेड इफ यू ठीक है ब्लो अप अ बैलून अब आप क्या आपके एक बैलून दे रहा हूं मैं आपको बैलून को फुलाना है आपको अब क्या बैलून को फुलाने में विच रेस्पिरेटरी एसोसिएट बैलून को फुलाने के लिए कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा बैलून को फुलाने के लिए कौन करेगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज करना पड़ेगा ठीक है कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एयर अंदर आएगी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एयर अंदर आएगी समझ रहे हो समझ गए ना

समझ में आ गया अब क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं एनसीआर के लाइन को पूछेगा गहरी सांस ली नॉर्मल सांस ली बैलून फुलाया नहीं समझ में आया सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनेंगे बड़े अच्छे बन जाते हैं इससे आगे आ जाओ एनसीआर का डायग्राम है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है भाई ऑफ द डायग्राम ठीक है एक्सेप्ट एक्सेप्ट पूछा है ये क्वेश्चन गलती कर देते हैं बच्चे यानी एक कोई इनकरेक्ट है एक कोई इनकरेक्ट है ढूंढो कौन सा इनकरेक्ट है इस डायग्राम से पहले डायग्राम देख लो डायग्राम क्या बता रहा है डायफ्राम ऊपर जा रहा है रिप्स नीचे जा रहे हैं एयर बाहर जा रही है एक्सपायरेशन हो रहा है अब देखो डायफ्राम बिकम शेप बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता रिलैक्सेशन होगा फ्रीनिक मसल्स का फ्रीनिक मसल्स का मतलब डायफ्राम मसल्स गलत हो गया आगे आ गया जाओ कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरक्शन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं कर रहा रिलैक्स कर रहे हैं दोनों के दोनों डायफ्राम इज रिलैक्स एंड आर्च अपवर्ड

इन पल्मोनरी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा ठीक है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर द डायफ्राम इलस्ट्रेटेड एक्सेप्ट एक करेक्ट होगा ऐसा होना चाहिए मुझे लग रहा है ठीक है तो इसमें तीनों ही इनकरेक्ट हैं करेक्ट कौन सा आएगा सी आएगा समझ रहे हो सी करेक्ट है डायग्राम से रिलेटेड करेक्ट पूछ रहा है तो सी पूछेगा समझ गए ना मेरी बात ये बात क्या कर रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट करेक्ट नहीं इनकरेक्ट फॉर द डायग्राम ठीक है एक्सेप्ट एक को छोड़ दो कौन सा करेक्ट नहीं है ठीक है है कौन सा करेक्ट नहीं, है, है, सा correct नहीं है, तो सी सॉरी ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑफ द डायग्राम एक्सेप्ट एक इनकरेक्ट है इनकरेक्ट एक नहीं है यहां पर वही होगा इनकरेक्ट होगा तो सी लगा दो सी ऑप्शन लगा दो डायग्राम से रिलेटेड पूछा है ना उन्होंने हाँ सी लगा दो सी ठीक है सी आगे आ जाओ सी आएगा सी 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 क्वेश्चन में अरे यार जल्दी जल्दी टाइपिंग होती है तो कोई चीज रह जाती है ठीक है कोई ना कोई रह जाती है तो मैंने अपडेट कर दिया ना वो टाइपिंग इधर से यार मैं मैं कर रहा हूँ ये ज्यादा बेटर है ना ठीक है इनकरेक्ट आएगा वहां पर यहां पर इनकरेक्ट आएगा इनकरेक्ट ठीक है स्टेटमेंट फर्स्ट देखो द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट मैंने कहा था ना क्वेश्चन बनता है प्रेशर ग्रेडियंट पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बिटवीन द लंग्स एंड एटमोसफियर ठीक है बिल्कुल सही मूवमेंट ऑफ एयर इसी पर डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर सही है सेकंड देखो द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट

फ्रॉम लो पार्शल प्रेशर टू हाई पार्शल प्रेशर हमेशा द कॉन्ट्रैक्शनल इंटरकोशन मसल लिफ्टअ अप्रीज इन पलमोनरी वॉल्यूम इन डॉसो वक्से एक्सटर्नल इंटरकोशन मसल की बात चल रही है

कॉन्ट्रेक्शन टर्म नहीं आएगा रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिस्पेक्टिवली एब्सोल्युटली राइट रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स रॉन्ग हो गया ठीक है रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल रॉन्ग हो गया एक ही ऑप्शन बचता है बी ऑप्शन तो बच्चे बी लगा रहे हैं ना बिल्कुल सही लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट व्हिच मसल्स हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एनसीईआरटी के लाइन स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कौन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स है क्या, क्या?

ब्रीथिंग ही नहीं होगी डिफ्यूजन छोड़ो ब्रीथिंग ही नहीं होगी मूवमेंट सब रुक जाएंगे डिफ्यूजन रुक जाएंगे सारे के सारे इनलेशन ऑफ एयर नहीं होगा एक्सप्रेशन नहीं होगा नो इनेशन एक्सप्रेशन यस ठीक है फ्लैट नो यानी कुछ भी नहीं होगा समझ रहे हो ना आप ब्रीथिंग कर पाओगे ना वेंटिलेशन हो पाएगा ना डिफ्यूजन हो पाएगा बराबर कर दिया ना समझ गए ना तो क्या लगाओगे सी ऑप्शन लगाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला पढ़ाओ

तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इज गर्ल टू मैंने बताया था टाइडल वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ ब्रीथिंग ठीक है टाइडल वॉल्यूम आप जानते हो कितना होता है 500 होता है रेट ऑफ ब्रीथिंग आप जानते हो 12 से 16 होती है एक मिनट के अंदर इसमें इनटू करके निकालोगे तो लगभग कितना आएगा एम के अंदर निकालोगे तो लगभग 6000 से 8000 हजार आएगा लीटर में निकालोगे तो 6 से आठ लीटर आएगा पर मिनट पर मिनट इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन जो एनसीआरटी ने बताने की कोशिश की है एक तो टाइडल वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली इतना एयर एमएल पर मिनट इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम दिस सॉरी इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी पल्मोनरी का मतलब लंग से पर कितना वेंटिलेशन हो रहा है समझ गया ना मेरी बात इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन यहां किसी को कोई डाउट शाउट है पल्मोनरी वेंटिलेशन में किसी को कोई डाउट शाउट है चलो ठीक है यहां तक किसी को डाउट शाउट है हाँ बेटा छह से लेके आठ लीटर पर मिनट बिल्कुल सही बेहतरीन सुपर एकदम बढ़िया तुम्हारी क्या चल रही है। बहुत बढ़िया यार जुड़े रहो देगा ठीक है यही मोटिवेशन है यही मोटिवेशन है।, है, है तुम्हारा साथ रहना डटे रहना तुम्हारा डेडिकेशन ठीक है तो इससे लगता है हाँ यार ठीक डायरेक्शन में जरा चीजें चल रही है ठीक है चलो कोई नहीं वापस आ जाओ ठीक है समझ गए बच्चों को मालूम पड़ जाता है अच्छा टीचर को इससे फायदा है ठीक है <laughs> अरे भाई ठीक है देखो मेन चीज है कुछ भी नहीं होता इट इज़ अ एक मोटिवेशन ठीक है आप कोई भी काम कर रहे हो जैसे आप ही हो ठीक है अगर आप कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हो कोई भी काम करते हो और उससे आपको लगता है कि मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले पा रहे हैं तो आपको उस काम को करने में मतलब आपको एक दिल से क्या दिल से मजा आता है यार ठीक है आप दिल से करोगे उसको

टरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा पच्चीस सौ से लेकर के तीन हजार एम एल इट इज अर वी इंसपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंसपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोई डाउट डाउट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा इट इज द वॉल्यूम ऑफ फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइटल वॉल्यूम टाइटल निकाल दो सर निकाल दिया अब कितना फोर्सफुली निकाल सकते हो वो आपका एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम है ई आरबी ठीक है एक हजार से ग्यारह सौ एम एल होता है अब एक हजार से ग्यारह सौ के बाद भी कुछ हिस्सा आपके लंग्स में रह जाती है दम जा समझे इसी को बोलते हैं रेजिडुअल जो रह गया निकाला नहीं जा सकता जन्म लेते ही लंग्स फूलते हैं तो रेजिडुअल वॉल्यूम जनरेट होता है फिर मरने के बाद ही वो बाहर निकलता है वो हमेशा लंग्स में रहता है ठीक है चलो

फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी सांस लेते हुए एयर को लंग्स में होल्ड करने की क्षमता नहीं आया क्या एफआरसी तो एफआरसी में ईआरवी प्लस आरवी आ जाएगा क्लियर है वाइटल कैपेसिटी वाइटल मैक्सिमम इन यानी मैक्सिमम आउट गहरी सांस लो भर लो लंग्स में गहरी सांस ठीक है अपने एयर को फोर्सफुली भर लो पूरा का पूरा अब देखो कितनी एयर निकाल सकते हो आपने देखो टाइडल ले लिया आरवी ले लिया अब क्या-क्या निकालोगे ठीक है ERB निकालोगे टाइडल निकालोगे फिर आई निकालोगे यानी ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है गहरी गहरी सांस यानी फुल्ली लंग्स को भर लो फिर कितना निकाल सकते हो या फुल्ली निकाल दो तो मैक्सिमम कितना ले सकते हो क्लियर है बिल्कुल ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है तीनों वॉल्यूम जुड़ जाएंगे वाइटल कैपेसिटी में ठीक है ई टीवी और आई तीनों जुड़ जाएंगे मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउट टोटल लंग कैपेसिटी चारों जोड़ दो उसके अंदर या वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल जोड़ दो क्योंकि मैक्सिमम इन मैक्सिमम आउट में रेजिडुअल तो निकाल ही नहीं सकते ना क्योंकि वो तो लंग्स में ही रहती है ठीक है तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या काम करो वाइटल क्या काम करो वाइटल कैपेसिटी के अंदर आप क्या जोड़ दो रेजिडुअल वॉल्यूम ये हो जाएगा टोटल ये हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी ये क्या हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी टी एल सी टोटल लंग कैपेसिटी यहां तक कोई डाउट यस yes या नो no? एकदम बेहतर अब बात कर रहा हूं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन समझना जल्दी बात ही नहीं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन लंग्स कब की बात कर रहा है एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी टाइटल ले रहे हो आप अब टाइटल लेने के बाद आपके लंग्स में क्या क्या है टाइटल है ERB है और आरबी तो होता ही है तो आप क्या बोलोगे इसमें टाइटल लेने के बाद इतनी ईयर आपके लंग्स में रहेगी समझ गए आगे बढ़ता हूँ मार्क द ऑप्शन दैट डिफाइन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जरा बताओ इसमें से कौन सी लाइन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को बता रही है इट इज अ वॉल्यूम रिमेंस इन लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन नो वॉल्यूम रिमेंस इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन टाइडल निकाल दो फिर जो रह गया वो आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है एब्सोल्युटली राइट ठीक है तो इसमें दो चीजें बचेंगी ई आर वी प्लस आर बी ये होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफ आर सी समझ गए बी ऑप्शन आ जाएगा

रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आई आर वी भी गलत हो गया क्योंकि वो कितना होता है पच्चीस सौ से लेकर के तीन हजार के आसपास होता है फंक्शनल रेजिडुअल एफ आर सी एफ आर सी एफ आर सी में ई आर वी प्लस आर वी आर वी कितना हो गया ग्यारह हो गया और ये ग्यारह से बारह हो गया बारह 2300 तेईस सौ हो गया ठीक है एब राइट right. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तीन हजार एम एल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी ईयर निकाल सकते हो ये भी गलत हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है भाई इंस्पायरेटरी तो आपका ये हो गया एक्सपायरेटरी जो निकालोगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ई आर वी

ERV बचेगा ठीक है और IRB बचेगा ये वाइटल कैपेसिटी है ठीक है ऐसे क्वेश्चन आएंगे बॉस एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं बी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम ना टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी वॉल्यूम नो नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर अबव द टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के बाद टीबी के बाद टीबी के बाद द अमाउंट ऑफ एयर कितना आप इंस्पायर कर सकते हो रिजर्व वॉल्यूम को आप इंस्पायर कर सकते हो इंस्पायर टीबी के बाद क्या ले सकते हो टीबी के बाद आप ले सकते हो ना टीबी के बाद आप आई ले सकते हो बस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्लियर है ना मतलब मुझसे पहले बोलना है आपको एसरसन रीजन है रेजिडुअल वॉल्यूम रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन एब्सोल्युटली डी राइट रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है

बी लगा दो कितने बच्चे बी लगा रहे हैं बी 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 हाँ ठीक है कुछ सी लगा रहे हैं एज ट्रू ठीक है स्टेटमेंट बट आर इज फॉल्स और फॉल्स क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पायरेशन गहरी सांस ले ली इज अ वाइटल कैपेसिटी यस गहरी सांस का मतलब है अच्छा

ये क्या होगा टोटल लंग कैपेसिटी होगा समझ रहे टोटल वॉल्यूम ऑफ देखो क्या लगा रहे हो सी ही लगेगा बेटा सी ठीक है टी एल सी ठीक है टोटल लंग कैपेसिटी चलो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे इसमें प्रैक्टिस करने पड़ती है मतलब आपको फील करना पड़ेगा ठीक है तब क्वेश्चन तुम सही करोगे

अब पर एक्सचेंज हो रहा है आप समझ रहे हो सिस्टमिक वेन और पल्मोनरी आर्टरी इस दोनों के अंदर ब्लड कैसा होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डी ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू जरा बताओ क्या होगा ऑक्सीजन कम होगा फोर्टी एम एम एच टू ज्यादा होगा फोर्टी फाइव क्लियर है यहां ये दोनों के अंदर ऑक्सीजिनेटेड ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड 95, 95 और co2 एम एम 40 जी आ गया कोई डाउट टिश्यू 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 का तो दे तो 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 रखा है टिश्यू के अंदर कंटिन्यू ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा समझ रहे हो ना मेरी बात ज्यादा होगा ठीक है तो टिश्यू में ऑक्सीजन कितनी होगी 40 CO2 कितनी होगी 45 समझ रहे हो जो एयर आ रही है इस एयर के अंदर CO2 कितनी है 40 है ऑक्सीजन 95 है टिश्यू के अंदर CO2 45 है ऑक्सीजन 40 है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगी CO2 यहां से जहां चली जाएगी से okay, है है ये deoxygenated blood है, इसमें CO2 45 होगी जाएगी सीओ टू यहां से यहाँ चली जाएगी ये दो जगह एक्सचेंज हो रहा है हाई से लो ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक वेन में होता है और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एटमोसफेरिक एयर में जो एयर आ रही है उसका पार्शल प्रेशर ये है और जो एयर आप निकाल रहे हो ये एनसीआर ने नहीं दे रखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शल प्रेशर ऑफ सीओ टू निकाल रहे हो इसमें ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर होता है और सीओ टू का थर्टी टू एम एम एच डी ये एक एडिशनल पॉइंट है ये एक्सचेंज एक्सचेंज दो जगह हो रहा है लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में ये समझ में आया नहीं आया आ गया होगा इसीलिए क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा आपसे कि एटमोस्फियर से ठीक है टिश्यू ठीक है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन यहां बनेगा तो एटमोस्फियर में वन फाइव नाइन लंग्स में आकर के वन जीरो फोर ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में नाइनटी फाइव और टिश्यू में आकर के कितना हो जाएगा टिश्यू में आकर के 40, ठीक है ऐसे ही पूछेगा टिश्यू से एटमॉस्फेयर पार्शल प्रेशर ऑफ सीओ टू तो टिश्यू के अंदर कितना होगा सीओ टू का पार्शल प्रेशर 45, फाइव ब्लड में भी 45, ठीक है लंग्स में कितना आ जाएगा आकर के 40, जो एयर बाहर निकालोगे उसमें कितना होगा 32 एटमोसफियर में कितना तो होगा जीरो पॉइंट थ्री एम एम एच जी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके इस दो लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा ठीक है बस इतने से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अब इसके अलावा और क्या कह रही है क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको आगे करा चुका हूँ कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है थ्री लेयर के मिलने से बनती है ठीक है नेमली अब द थिन इसमें क्या कहूंगा थिन स्कैमस एपिथिलियम ऑफ एल्वलाइ होगी एंडोथिलियम ऑफ एल्बुलर कैपिलरी होगी याद आ गया क्वेश्चन करा चुका हूं उसका मैं भाई एल्विलाई की लेयर होगी और हमारे ब्लड कैपिलरी की लेयर होगी और दोनों के बीच में बेसमेंट सबस्टेंस होंगे तीन लेयर हो गई इन तीन लेयर की अगर मैं थिकनेस की बात करूं सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम ठीक है बिटवीन देम अगर टोटल थिकनेस अगर टोटल थिकनेस की बात करूं तो क्या होगा लेस देन अ मिलीमीटर से भी कम होगी ठीक है one mm Hg से भी कम होगी क्वेश्चन करा चुका हूं ऑल द फैक्टर इन अवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्बलाइ टू टिश्यू एंड सीओ टू फ्रॉम टिश्यू टू एल्बलाइज कौन कौन से फैक्टर हैं फैक्टर मैंने आपको कौन कौन से बताए थे फैक्टर जो उस पर इफेक्ट डालते हैं फैक्टर फैक्टर में ध्यान रखना एक तो पार्शल प्रेशर पार्शल प्रेशर पहला फैक्टर है दूसरा सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी तीसरा फैक्टर क्या थिकनेस थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन सोचो अगर थिकनेस इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो डिफ्यूजन पर असर पड़ेगा

एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सीओ टू बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू जरा बताओ अभी मैंने कराया अभी जस्ट करा के चुका हूं एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सीओ टू बिटवीन ओनली ब्लड एंड टिश्यू ब्लड एंड टिश्यू तो वैसे भी नहीं है ठीक है और ओनली भी लिख दिया यहां पर ठीक है मतलब ही नहीं है यहाँ क्या 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 कर उन्होंने क्या लिख रखा था ब्लड एंड लंग्स टिश्यू की जगह क्या था लंग्स ये एक्चुअल था और ओनली और लगा दिया तो तो वैसे और गलत हो गया ठीक है स्टेटमेंट सेकंड देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अकर थ्रू ब्लड ये सही है तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट सी लगा दोगे आप कितने बच्चे सी लगा रहे हैं ए नहीं होगा सी होगा भाई ठीक है हाँ

पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है ऑक्सीजन का y वाली जगह पर y में क्या होगा यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट ब्लड है 95 एमएम एचजी होगा जो मैंने करा दिया है ना इतना अगर आपने समझ में आ गया ना कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे ये गारंटी है 95 डी लगा दो ठीक है एसर्सन रीजन देख लो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पर यूनिट डिफ्यूजन इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन बिल्कुल CO2 का डिफ्यूजन रेट पर यूनिट एरिया कंपैरेटिव ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है यस रेट ज्यादा होता है समझ रहे हो ना पर पार्शियल प्रेशर कम होता है डिफ्यूजन रेट ज्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से कम है क्यों क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 22 25 टाइम ज्यादा होती है बिकॉज़

आइडेंटीफाई ए बी सी ए बी सी को आइडेंटिफाई करो जरा बताओ वन फाइव नाइन ऑक्सीजन और सीओ टू कहाँ होगी ये एटमोसफियर में होगी ठीक है ये लंग्स में होगी ठीक है ऑक्सीजन फोर्टी है सीओ टू ज्यादा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं एलव ए है. ए में पी 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 क्यू पी और क्यू पी पी एल वाई गलत हो गया क्यू टिश्यू क्यू 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 बी वाले पार्ट में क्यू टिश्यू सी में आ जाओ सी सी पी एटमोसफियर पी एटमोसफियर ठीक है फिर एल्वलाइट ठीक है फिर डी ऑक्सीजनेटेड ठीक है मिल गया ये मिल गया तीनों मिल गए तीनों मिल गए ठीक है ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा सी ऑप्शन लगा दोगे जो बच्चे सी लगा रहे हैं ना बिल्कुल बढ़िया लगा रहे हैं बिंदास लगा रहे हैं ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन और देखो नेम द फॉलोइंग वैसल्स अब इसमें वैसल्स क्लियर हो जाएंगे आपके ठीक है ये आप समझ रहे हो ये क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नजर आ रहा है पल्मोनरी वेन है यह क्या है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नजर आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी है यह ये सिस्टमिक आर्टरी है, तो है आप देख लो <laughs> ए पूछ रहा है वो ए सिस्टमिक वेन और इसमें लगा हुआ है कोई नहीं इसमें आंसर लगा हुआ है पर आपने देख लिया होगा पर देखने की जरूरत भी नहीं है ना भी लगाओ तब तो भी आप कर पाओगे क्योंकि ये चीज आपको पता है कि किस में क्या है ठीक है पर कोई नहीं कोई नहीं फर्स्ट आएगा इसका ए ठीक है डी सिस्टमिक आर्टरी हो गया सी पल्मोनरी वेन हो गया पल्मोनरी आर्टरी हो गया ठीक है अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अगला पढ़ाओ अब बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड कोई डाउट बचा आपके आपको ऐसा फील नहीं आ रहा यार एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन हाथ हो जाए फाड़ के रख देंगे तोड़ के रख देंगे ठीक है बताओ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा मतलब मुझे, मुझे लेक्चर खत्म हो जाने के बाद कमेंट जरूर कर देना यार ठीक है पर कमेंट तब आएगा जब वो लेक्चर मतलब अपलोड हो जाएगा लगभग एक घंटे बाद तो जब भी मौका मिले अगर आप चाहते हो कि अगली सीरीज में टीचर का जोश और जुनून मेंटेन रहे तो कमेंट बहुत जरूरी है ठीक है वो डिसाइड करता है अगले लेक्चर के जोश को ठीक है चलो और अगला लेक्चर बहुत खतरनाक आने वाला है तो हार्ट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर है नेक्स्ट वीक थर्सडे को नेक्स्ट वीक थर्सडे को मेरा लेक्चर है बॉडी फ्लूड एंड सर्क्यूलेशन ठीक है, तो है? नेक्स्ट वीक थर्सडे यानी थर्सडे ठीक है हाँ थर्सडे को ही पड़ेगा मेरा बॉडी फ्लू थर्सडे या फ्राइडे आज फ्राइडे है ना अगला थर्सडे को होगा एक दिन पहले होगा ठीक है बॉडी फ्लू एंड सर्कुलेशन अब ट्रांसपोर्ट ऑफ की बात कर लेते हैं भाई, भाई के की अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ और सीओ के ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ ठीक है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था ठीक है एक तो था ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीमो ग्लोबिन और प्लाज्मा के थ्रू भी होगा पर प्लाज्मा के थ्रू बहुत कम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में अगर देखोगे ना तो लगभग 97 के आसपास होगा अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट यस 97 के आसपास और ये मात्र 3% के आसपास क्यों ऐसा क्यों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट क्यों कर रही है प्लाज्मा के थ्रू क्यों नहीं कर रही ड्यू टू सॉलिबिलिटी इसकी सॉलिबिलिटी कम है इसलिए जबकि CO2 की बात करूं ना तो CO2 ठीक है कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लगभग लगभग ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव परसेंट करती है ठीक है कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक सॉरी बाई कार्बोनेट आइन बाई बाई कार्बोन बाई कार्बोनिक आइन HCO3. Maximum, 70 के के थ्रू समझना मेरी बात प्लाज ये दोनों ही प्लाज्मा के थ्रू हो रहे हैं बाइकार्बोनेटी प्लाज्मा के थ्रू होता है ये भी प्लाज्मा ही है प्लाज्मा प्लाज्मा के थ्रू सेवेंटी सेवन परसेंट सीओ टू ट्रांसपोर्ट होती है

सारा खेल इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर है अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा बाइंडिंग ज्यादा होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा बाइंडिंग कम होगी यानी एचबीओ टू का फॉर्मेशन ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है तब अदर फैक्टर बाद में लगते हैं पहला फैक्टर उसका ठीक है क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू ठीक है हाइड्रोजन आयन ये सेकेंडरी में आते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू हाइड्रोजन इन इनपे भी करता है ठीक है टेम्परेचर समझ रहे हो अदर फैक्टर ये अदर ये फैक्टर भी है पर मेन फैक्टर क्या है पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन समझ में आया ठीक है द कर इसमें एक कर्व बनता बनता है बनता है है ये इसमें पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं यानी जैसे जैसे आप हीमोग्लोबिन के संग ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर बढ़ाते जाओगे हीमोग्लोबिन सेचुरेट होता जाएगा

कर्ब राइट शिफ्ट भी हो सकता है यह कर्व राइट शिफ्ट भी हो सकता है यह कर्व लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है राइट और लेफ्ट यह किस पर डिपेंड करता है कंडीशन पर अगर फेवरेबल कंडीशन होंगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगा अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो राइट शिफ्ट होगा जैसे मान लो अगर मैं यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम कर दूं ठीक है या पार्शल प्रेशर ऑफ सी टू बढ़ा दू फेवरेबल या अनफेवरेबल अनफेवरेबल राइट शिफ्ट हो जाएगा ठीक है जैसे मैं यहाँ पर टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा दू राइट शिफ्ट हो जाएगा जैसे अगर मैं सी ओ टू सी टू बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एच आईन सी टू बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एच H+ एच बढ़ जाएंगे और एच के बढ़ने से ऑटोमेटिकली पी क्या हो जाएगी कम नहीं हो जाएगी ध्यान रखना है ऑक्सीजन कम कर दूं सीओ बढ़ा दूं अनफेवरेबल और सीओ टू बढ़ेगी तो एच आईन बढ़ेंगे तो पी कम हो जाएगी अनफेवरेबल ठीक है आप समझ रहे हो ये सब अनफेवरेबल हैं और पी फिफ्टी वैल्यू एक वैल्यू होती है जो बताती है जैसे मानो फिफ्टी परसेंट हीमोग्लोबिन जिस पार्शियल प्रेशर पर जिस पार्शियल प्रेशर पर सेचुरेट होता है ऑक्सीजन के उस पार्शियल प्रेशर को हम पी फिफ्टी वैल्यू बोलते हैं ठीक है

डिसोसिएशन और लेफ्ट शिफ्ट होगा तो यहां पर एच बी ओ टू एसोसिएशन बढ़ेगा क्लियर है ऑन बाइंडिंग ऑक्सीजन विद हीम्लोबिन इन द एलबलाय वेयर थ्री वेयर देयर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो पार्शियल प्रेशर टू लेस एच आई इन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर ये किसको बताएंगे एच बी ओ टू फॉर्मेशन को बता रहे हैं द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल सारे फेवरेबल फैक्टर हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एच बीओ टू ऑक्सीमोग्लोबिन विध टिशूक् अगर मैं टिश्यू की बात करता हूँ लंग्स की बात है टिश्यू की बात करता हूँ उल्टा होगा लो ऑक्सीजन होगी हाई सीओ टू होगी सीओ टू आएगी तो एच एन हाँ ज्यादा होंगे एच एन हाँ ज्यादा होंगे एसिडिक कंडीशन होगी हो हो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा क्यों क्योंकि टिश्यू के पास मेटाबोलिक प्रोसेस ज्यादा होते हैं

लगभग फाइव एम एल ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन यानी आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे आप नॉर्मल काम कर रहे हो तो उस समय हंड्रेड एम एल ब्लड पांच एम एल ऑक्सीजन को टिश्यू के पास दे देता है समझ रहे हो टिश्यू को पांच एम एल ऑक्सीजन देता है मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था उसका ट्रांसपोर्ट तो बहुत अच्छी तरीके से

भाई न का पोटेंशियल बिगड़ जाएगा ना उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से क्लोराइड क्लोराडाइन अंदर आ जाते हैं जिससे कि किन का पोटेंशियल मेंटेन रहे क्लियर है? इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं या फिनोमिनन बोलते हैं हैं या फिनोमिनन इस समय प्लाज्मा में याटाइन बढ़ रहे हैं और एच आइन घट रहे हैं क्लियर है नियर द टिश्यू उल्टा कर दो नियर द लंग्स लंग्स के पास क्या होगा उल्टा हो जाएगा प्लाज्मा में क्लोराइड आयन बढ़ेंगे और बाइकार्बोनेट आयन घटेंगे

कहां पर होगी ये रेक्शन ऐसे चल रही है ना और एक रिएक्शन ऐसे चल रही है ये पर होगी टिश्यू और यह रेक्शन कहां पर होगी लंग्स लंग्स के पास पहुंचेंगे तो उल्टा होगा यानी ये बाइकार अंदर आएंगे एच हाँ से मिलेंगे एच टू थ्री बनाएंगे तुरंत ये एच CO2 टू और सीओ टू में टूटेंगे सीओ टू बाहर निकल जाएगी लंग्स के पास समझ में आ गया होगा यहां तक कोई डाउट आउट है नहीं होगा अब CO2 से रिलेटेड कह रहा है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड डिलीवर लगभग 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्विओलाई ध्यान रखना है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 टू एल्विओलाई ये दो लाइन ऊपर क्वेश्चन और बनते हैं ठीक है चलो अब क्वेश्चन की बारी कमर कस लो सारे के सारे विच पॉइंट इज इनकरेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इनकरेक्ट पूछा है अंडरलाइन कर लो टू अबाउट सेवेंटी सेवन परसेंट सीओ टू इज कैरिड इन द डिजोल्व स्टेट थ्रो प्लाज्मा सेवन परसेंट ऑफ सीओ टू इज ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड

प्लाज्मा ये गलत हो गया ठीक है ये नहीं ठीक है अबाउट नाइन्टी सेवन परसेंट सी ओ टू ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा ठीक है ये सही है अबाउट थ्री परसेंट ये इससे ये काम करते हैं सी यहाँ से हटा देता हूँ मैं अब सही है, ठीक है तो अब क्लियर है ना बिल्कुल अब इससे आपको क्लियर है कि लगभग तीन परसेंट ऑक्सीजन कैरिड इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा सही है ये इन हो गया सी ऑप्शन लगा दो समझ गए हाँ डी में करेक्शन कर दिया मैंने डी में करेक्शन कर दिया अब आपका कौन सा सही बैठ रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन सही बैठ रहा है आगे आ जाओ स्टेटमेंट बेस है हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन दोनों ही सही भाई आगे बढ़ जाओ तेजी तेजी से से टिश्यू देयर इज ध्यान रखना नियर द टिश्यू की बात चल रही है नियर टिश्यू बिना बनाए डायग्राम नहीं कर पाओगे नियर टिश्यू देयर इज डेफिनेट एक्सचेंज ऑफ आइन बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा के पास क्या होता है आपको बताए यहाँ से बाई आइन तो बाहर जा रहे होते हैं एस ओ थ्री आइन इसके बदले में क्लोराइड डाइन अंदर आ रहे होते हैं टिश्यू के पास ठीक है के पास की नहीं इनफ्लक्स हो रहा है इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइन इन टू आरबीसी ठीक है इनफ्लक्स ऑफ बाइक नहीं हो रहा है इन टू आरबीसी नहीं प्लाज्मा ठीक है तो क्या लगा के आने वाले हो यहां पर सी ऑप्शन सी ऑप्शन नहीं सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट पूछा है ना हाँ ठीक है नेक्स्ट विच ये ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था ध्यान रखना ठीक है हाँ विच ऑफ द फॉलिंग डज नॉट अकर एज द ब्लड प्रेशर नेक्स्ट फटाफट बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर एज द ब्लड प्रेशर थ्रो सिस्टमिक कैपिलरी इन टिश्यू फॉलोइंग डज नॉट अकर एज द ब्लड अच्छा प्रेशर बोल गया ब्लड पास थ्रो सिस्टेमिक कैपिलरी इन टिश्यू सिस्टेमिक कैपिलरी इन टिश्यू डज नॉट अकर नहीं होगा ठीक है टिश्यू के पास अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा

कंडीशन फ्रॉम ऑप्शन की बात चल रही है कितने हैं right बढ़ाओगे left shift होगा 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 करता है Decrease in P50 value, कम करोगे left shift होगा. Exercise, right shift होगा. एक ही कंडीशन है राइट right शिफ्ट की वन जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी में अनफेवरेबल कंडीशन होती है कब राइट शिफ्ट हो जाता है डी ऑफ ए लगाओगे इज ट्रू फॉर हाइपर वेंटिलेशन हाइपर वेंटिलेशन आप गहरी गहरी हो ले रहे हो ले रहे उस समय क्या होगा शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा लेफ हो तो पी फिफ्टी वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी घटेगी घटेगी आगे जाओ पी फिफ्टी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज पी फिफ्टी वैल्यू एन एच बी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज ना इंक्रीज होगी ये तो इंक्रीज होगी ठीक है ये गलत हो गया पी वैल्यू इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी गलत हो गया वैल्यू डिक्रीज ठीक है एफिनिटी इंक्रीज एब्सोल्युटली राइट डी ऑप्शन लगाओ भाई जब हाइपर वेंटिलेशन होगा तो आप गहरी गहरी सांस ले रहे होगे तो लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होने पर यही चीजें एप्लीकेबल होती है विच इज नॉट अ फैक्टर दैट प्रमोट ऑक्सीजन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन समझ रहे हो विच ऑफ फैक्टर जो एसोसिएशन को ही नहीं 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 करता, करता करता करता, करता, करता। है, करता है, करता है। RBC, ये D. D okay, ये मान लो ए दे रखा है ये इन्होंने बी दे रखा है नहीं छपा कोई नहीं विच ऑफ इनकरेक्ट अबाउट द गिविंग ग्राफ ठीक है द कर्व इज कॉल्ड करेक्ट है पूछा क्या है इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है द पार्ट ए रिप्रेजेंट पार्शियल परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन यस ए है परसेंटेज परसेंटेजन को बताता है द पार्ट बी रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ठीक है ये तो ऑक्सीजन के लिए है इनकरेक्ट हो गया दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक टेंपरेचर बिल्कुल सही है कौन सा इनकरेक्ट हो गया सी इनकरेक्ट हो गया मोग्लोबिन एस कार्बा अमाइनो हीमोग्बा अमाइनो हीमोग ऑप्शन आ जाएगा कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन ठीक है कार्बाइड कार्बोक्सी मिथेमो नहीं रीड दाई एच आईन कंसेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर आर फेवरेबल फॉर डिसोशियेशन ऑफ ऑक्सी जन फ्रॉम हीमोग्लोबिन हाई एच आईन ना हाई एच नहीं लो एच तभी तो एसिडिक मीडियम होगा गलत हो गया पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज एल्वलाई 104 सही है इन एल्वलाई द लो ऑक्सीजन एंड हाई सी हाई सी आर फॉर डिसोसिएशन ऑफ सी फ्रॉम कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन ना गलत हो गया ये डिसोसिएशन कब होगा जब ऑक्सीजन हाई हो और सीओ लो तब जाकर के क्या होगा Of CO2 from तो ये भी गलत हो गया। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अच्छा करेक्ट पूछा है करेक्ट इसमें लगा हुआ है कोई नहीं इसको हटाओ भाई हाउ मेनी स्टेटमेंट आर कितने का स्टेटमेंट है ए बी सी तीन ही तो है। एक हैं एक मिनट देखते हैं हाई एच आईन कंसेंट्रेशन ठीक है एच एन को बढ़ा दो एच एन बढ़ेंगे

इन ये दोस्त तो ठीक है ही ठीक है तो राइट कितने है को है? दो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है सही है कंसेप्ट समझो एक बार को रह गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आ जाओ. कर्व विल राइट शिफ्ट हो जाएगा एसिडी कम करने पर नो सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर नो no. टेम्परेचर कम करने पर no. नो पीएच no. कम कर दोगे क्योंकि पीएच कम होगी तो मीडियम एसिडिक हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा राइट right शिफ्ट हो जाएगा पीएच कम कर दोगे तो कर्व राइट right शिफ्ट हो जाएगा आगे चलो ऐसा समझो ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्ट मोर कार्बोनिक एसिड इज फॉर्मड इन आरबीसी CO2 ट्रांसपोर्ट होने पर क्या होता है H आयन और कार्बोनिक एसिड बनता ही बनता है ठीक है बिकॉज़ इन एरिथ्रोसाइट अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन प्लाज्मा इसलिए ना

की फॉर्म में कितना होता है सीओ टू सेवेंटी परसेंट गलत हो गया डिजोल्ड फॉर्म में सेवन परसेंट एक ही ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू भाई द ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू द ब्लड इज मेजरली डिपेंड अपॉन ब्लड द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू डायबिलिटी ऑफ अदर ब्लड प्रोटीन ना blood solubility. Solubility. भाई ब्लड की सोलिबिलिटी कार्बोन है ठीक तो है थीके? आप समझ रहे हो वो आरबीसी के अंदर होता है ब्लड का मतलब प्लाज्मा की बात चल रही है ठीक है ब्लड में आरबीसी भी होते हैं अब यहां ब्लड बोला है इसने तो ये तो प्लाज Solubility. Solubility मतलब solubility, solubility तो ट हो गया रिवर्सिबल है कार्बोनिक एन हाइड्रेज है ठीक है ये भी गलत हो गया यह भी गलत हो गया बी ऑप्शन आएगा अब लास्ट में आता है रेगुलेशन रेगुलेशन के अंदर बस दो बातें ध्यान रखनी है आपको मेडुला ओब्लोंगेटा ये रेगुलेटिंग सेंटर है मेडुला ओब्लोंगेटा रेगुलेटिंग सेंटर है यही आपकी रिदिम को कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदिम को कंट्रोल करने के लिए मेडुला ओब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल होता है ये ध्यान रखना ठीक है इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको निमोटैक्सिक सेंटर निमोटैक्सिक सेंटर ठीक है ये आपके रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं सेंटर इनको स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं ठीक है अगर इनसे सिग्नल ज्यादा आएगा तो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन घट जाएगा ये लाइन ध्यान रखनी है आपको ठीक है आ जाओ ह्यूमन एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट कम करना द रेस्परेटरी डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू स्पेशन आएगा ब्रेन सेंटर बोलते हैं बिना सोचे समझे जो आप सांस ले रहे हो निकाल रहे हो ले रहे हो निकाल रहे हो, निकाल रहे हो बिना सोचे समझे एमो की वजह से मेडोलाटा की वजह से ठीक है, Another center, एक center और होता है इसको पोंस रीजन में जो होता है इसको निमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं निमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट ये मॉडरेट मतलब कम कर देना कैन मॉडरेट कम करता है द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रीजन सेंटर अगर ये एक्टिव हो गया तो मेडुला को घटा देगा यानी आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब आपकी इंस्पिरेशन की प्रोसेस को घटाएगा जिससे रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा समझ रहे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम करके रेट को बढ़ा देता है न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस न्यूरल सिग्नल भी इसको कम करते हैं इसकी वजह से आपका अल्टर द रेस्परी जब कम करेंगे तो आपकी रेस्पायरी रेट चेंज हो जाएगी इसके अलावा कीमोसेंसिटिव एरिया भी होते हैं मैंने बताया था कहाँ पर होते हैं एक तो मैंने बताया था एओटिक तो आर्क पर लगे होते हैं एटिक आग आर्थ के ऊपर और कैरोटिड आर्टरी पे लगे होते हैं जो H+ और CO2 के लिए सेंसिटिव होते हैं अगर बॉडी में H+ और CO2 बढ़ेंगे ये सीधा सिग्नल रिदम सेंटर के पास भेजेंगे एमओ के पास वो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा देगा ठीक है सिचुएटेड एडजेसेंट द रिदम सेंटर उसके पास में ही होते हैं हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए ये क्वेश्चन आता है इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट सब्सटेंस कैन एक्टिवेट द सेंटर व्हिच इन टर्न कैन सिग्नल

कंप्लीट फीलिंग कंप्लीट फीलिंग तभी हो सकती है जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो ये नहीं होगा शॉर्टिंग इन एक्सपायरेशन टाइम बिल्कुल सही ठीक है शॉर्ट शॉर्ट हो हो जाएगा C हो हो जाएगा सी नहीं होगा टाइम विच पॉइंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रेगुलेशन ऑफ नॉट करेक्ट पूछा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन निमोटेक्सन सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्परेटरी एनसीआरटी की लाइन मॉडरेट करना जानता है

रेट तो बढ़ता है ना रीड द फॉलोइंग ठीक है रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन रीजन इट प्राइमली प्राइमर फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ना रेस्पिरेटरी रेस्परेटरी सेंटर की बात चल रही है जो मेडुला रीजन में होते हैं तो गलत हो गया ना पोन्स रीजन में नहीं होते मेडुला रीजन में होते हैं अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज हाइली सेंसिटिव टू तो सीओ टू बट सेंसिटिव टू तो हाइड्रोजन हाइड्रोजोनाइन इसके लिए भी हाईली सेंसिटिव होता है तो गलत हो गया

या किसी इंडस्ट्री में काम करते हो डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स में जा रहे हैं तो ये धीरे-धीरे इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं फाइब्रोसिस क्रॉस कर सकते हैं फाइब्रोसिस का मतलब समझते हो फाइब्रोसिस का मतलब होता है ठीक है प्रोलीफरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर इन लंग्स इससे लंग्स टाइट हो जाते हैं ठीक है इनको बोलते हैं और मतलब डेथ हो जाती है फाइनली इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस uh, और ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो आपके ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं आपके काम काज से जुड़े हुए हैं ठीक है तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिग्रीज विच रेस्प सर्फ डिक्रीज तो एम्फाइसीमा की बात चल रही है सीधे सीधा क्वेश्चन है स्टेटमेंट देखो एम्फाइसीमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग

बेयर करते हैं लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड दस कॉज सीरियस लंग्स डैमेज इसलिए मास्क बियर करते हैं रीजन बिल्कुल सही है एब्सोल्युटली राइट right. समझे तो भाई आज का सेशन यहां पर एंड करेंगे अब मुझे बताओ ठीक है मतलब बहुत जरूरी है सेशन एंड के बाद कि आप ऐसे सेशन को कंटिन्यू चाह रहे हो इसी एनर्जी के साथ चाह रहे हो और अगर आपने ऐसे सेशन ज्वाइन कर लिए तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा रिविजन की जरूरत पड़ेगी क्लियर है बॉटनी तो हाँ, कल, कल का ठीक है कल बॉटनी का सेशन है सारे के सारे बच्चों को ज्वाइन करना है ठीक है ऑर्गेनिज्म हुआ है इवनिंग में ठीक है तो केमिस्ट्री का सेशन मंडे को सिफ्ट हो गया है तो बॉटनी का सेशन कल लगा हुआ है और नेक्स्ट थर्सडे को मेरा सेशन अगेन लगा हुआ है ठीक है जिसके अंदर हम बॉडी सर्कुलेशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म चैप्टर है जिसके अंदर पूरा सिंगल शॉट में होगा सेम इसी तरीके से ठीक है और नेक्स्ट थर्सडे को को ठीक है बॉडी फ्लूड और सर्कुलेशन के परखच्चे उड़ाने वाले हैं एनसीआर की लाइन के साथ और चाहते हो थोड़ा सा चाहिए इसके बारे में हम तो सोच रहे हैं आपको इसकी जरूरत थी क्या वाकई में आप ऐसा चाह रहे थे क्या वाकई में आप बैकलॉग को इस तरीके से रिविजन कर सकते हो मतलब हेल्पफुल है या नहीं ठीक है थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट Bye. Bye. Bye.